नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व में कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो चैनल पर जाइए, इन सारी वीडियोज़ को देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए और इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। और हमारे चैनल पर आपको डिफरेंट तरह के स्टॉक्स, हर सेक्टर के स्टॉक्स मिल जाएंगे और कौन से स्टॉक्स में अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक में अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ये सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। तो आ जा चुके हैं हम बजाज फाइनेंस के चार्ट पर। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपको यहाँ पर, देख लेते हैं बजाज फाइनेंस क्या कंडीशन है और आपको अभी क्या करना चाहिए। तो ये देख लीजिए, ये ऊपर वाला सबसे जो ब्लू लाइन है हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है, इससे नीचे वाला हमारा 100 डे का मूविंग एवरेज है और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो EMA है। और ये हमारा है जो देखते हैं येल्लो लाइन, ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और ये हमारा जो नीचे वाला ये ब्लू लाइन देख रहे हैं 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और नीचे हमारा RSI है। तो सारी बातों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दें 200 डे का मूविंग एवरेज जो है बजाज फाइनेंस का 3461 रुपीज़, और 100 डे का मूविंग एवरेज है 3340 रुपीज़, 50 डे का मूविंग एवरेज है 2884 रुपीज़, और 20 डे का मूविंग एवरेज है 2308 रुपीज़। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है बजाज फाइनेंस का वो है 2002 रुपीज़। तो समझ सकते हैं कि हमारा जो बजाज फाइनेंस है 20 डे का मूविंग एवरेज, 50 डे, 100 डे सबसे नीचे है। और ये जो है क्लोज है थोड़ा सा दो दिन पहले, ये हमारा जो 20 डे का मूविंग एवरेज था उससे ऊपर था। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा 30 अप्रैल है उस दिन क्लोज हुआ था 20 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर, उसके बाद फिर ये नीचे गिरते गया। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा 20 डे के मूविंग एवरेज से भी बहुत नीचे आ चुका है। और उसके बाद 100 डे, 50 डे, 200 डे के मूविंग एवरेज से बहुत ही बिलो मिल रहा है। तो समझ सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। और यहाँ से अगर हमारा जो देश है वो नॉर्मल सिचुएशन में अगर आता है आगे चल करके, तो निश्चित है कि बजाज फाइनेंस को फिर आप यहाँ पर नहीं पकड़ पाएंगे, मतलब ये फिर आपको बहुत ही अप मूव करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि सिचुएशन नॉर्मल होगा तो जैसे इसका बिजनेस स्टार्ट होगा तो फिर ये अपना जो ग्रो है उस और बढ़ने लगेगा, इसमें पिकअप देखने मिलेगा, आप इसके शेयर प्राइस में मूवमेंट देखने मिलेगा आपको। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बजाज फाइनेंस में तो आप यहां पर कर सकते हैं इन्वेस्ट, लेकिन आगे जो हमारा सिचुएशन है वो और ज़्यादा बदतर नहीं हो। अगर सिचुएशन और ज़्यादा कठिन हो जाती है तो निश्चित है कि बजाज फाइनेंस में और ज़्यादा फॉल देखने मिलेगा। तो अगर सिचुएशन अच्छी हो जाती है तो निश्चित है कि ये बेस्ट टाइम है और आप इस स्टॉक में SIP मोड में इन्वेस्ट करें, मतलब अभी आप इन्वेस्ट करें, फिर अगले वीक, फिर इस तरह से हर वीक पर आप कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करें। तो आप एक ही बार जो है सारे अमाउंट इन्वेस्ट ना करें, तो एक लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करें या आप SIP मोड में इन्वेस्ट करें। कुछ स्टॉक्स, मतलब कुछ जो है एक दो जो स्टॉक से अभी बाय किए, फिर दो चार स्टॉक अगले वीक बाय करेंगे, इस तरह से जब जब गिरावट आती है तब तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर RSI देख सकते हैं कि हमारा बजाज फाइनेंस का जो RSI है अभी वो है 36.56 के आसपास, तो 36 के अप्रॉक्स है। तो अभी आप RSI भी अभी सिग्नल दे रहा है कि आप बाइंग कर सकते हैं। तो हर कंडीशन अच्छा है, लेकिन जो हमारा सिचुएशन है उस पर नज़र रखनी है कि सिचुएशन और ज़्यादा बदतर नहीं हो। आप चार्ट पे देख सकते हैं 22 फरवरी 2008 को बजाज फाइनेंस 42.87 रुपीज़ प्राइस था इस शेयर का। और देख सकते हैं 22 फरवरी 2008 को, हम आगे चलते हैं जब मार्केट में गिरावट आया था, तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो 42 रुपीज़ से गिर करके 7 रुपीज़ तक आ गया था, 7 रुपीज़ से भी नीचे देख सकते हैं 5 दिसंबर 2008 6 रुपीज़ 93 पैसा इसका प्राइस था। देखते हैं 5 रुपीज़ 98 पैसा 16 जनवरी 2009 में, 5 रुपीज़ 11 पैसा देखते हैं 2009-13 मार्च को। तो इतना गिरावट आया था कि 43 रुपीज़ से गिर करके ये 5 रुपीज़ समथिंग पे आ चुका था, कितना बड़ा गिरावट आया था आप समझ सकते हैं, 80% के अप्रॉक्स गिरावट आया था बजाज फाइनेंस में।
तो इसलिए कहते हैं कि अभी जो बजाज फाइनेंस है उसमें देख सकते हैं कि अभी इसमें भी गिरावट 60% के आसपास आ चुका है, 50% से अधिक का गिरावट है बजाज फाइनेंस में। तो इसलिए अगर अभी आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन समय है, लेकिन आगे के सिचुएशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, आगे सिचुएशन हमारा कैसा होता है। फिर है हमारा बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व की बात करते हैं तो बजाज फिनसर्व का देख सकते हैं कि जो हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है वो है 7482 रुपीज, जो हमारा 100 डे का मूविंग एवरेज है वो है 7078 रुपीज, और जो हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज है वो है 6057 रुपीज, और जो 20 डे का मूविंग एवरेज है वो है 4961 रुपीज। तो 20 डे का मूविंग एवरेज से भी ये नीचे है, देख सकते हैं बजाज फिनसर्व का जो क्लोजिंग प्राइस है आज हमारा वो है 4629 रुपीज। तो देख सकते हैं बहुत ही अपने 20 डे के मूविंग एवरेज से, मतलब जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उससे भी कम है। ये हमारा ऊपर वाला ब्लू लाइन 200 डे का मूविंग एवरेज है, उससे नीचे ये जो हमारा लाइन है 100 डे का, और ये येलो लाइन 50 डे का, और ये जो नीचे वाला ब्लू लाइन है ये है 20 डे का, और नीचे हमारा RSI। RSI पर देखते हैं तो इसका जो RSI है अभी वो है 40 के आसपास, मतलब 39 पॉइंट समथिंग है, तो 40 के आसपास है। तो RSI भी आपको बता रहा है कि अभी इसमें बाइंग किया जा सकता है। तो RSI हमारा एक इंडिकेटर जो बताता है कि स्टॉक्स ओवरबाउट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। तो अभी जो हमारा 40 है तो यहाँ पर बाइंग का सिचुएशन बनता है RSI के अनुसार, और करेक्शन तो मार्केट में आप देख ही सकते हैं, इसमें 50% से ज़्यादा का करेक्शन है, 50% से अधिक करेक्शन पे आपको ये स्टॉक्स मिल रहा है। तो अगर आप अभी चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे 5 स्टॉक बाय करना है तो एक स्टॉक अभी बाय करें, फिर करेक्शन आता है तो दूसरा स्टॉक बाय करें। इसी तरह से हर वीक आप SIP मोड में इन्वेस्ट करें, या अगर 5 स्टॉक कुल बाय करना है तो 2-3 कर सकते हैं, लिमिटेड मोड में करें, एक ही बार लमसम अमाउंट ना करें, क्योंकि आगे सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि हमारा सिचुएशन कैसा होता है। जैसे हमारी स्थिति में सुधार होती है, निश्चित है बजाज फिनसर्व बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, और बजाज फिनसर्व पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस की, साथ साथ कहें होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस की। तो बजाज फिनसर्व जो है होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस की, साथ ही साथ ये हमारा इंश्योरेंस सेक्टर में भी है, जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, और साथ ही साथ होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस का। तो समझ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है ये। और यहाँ पर चार्ट पे देख लीजिए, यहाँ पर हमारा जो बजाज फिनसर्व है इसमें दिखाते हैं 2008 में कितना गिरावट आया था, देख सकते हैं 632 रुपीज़ इसका प्राइस था 30 मई को 2008 को। और चलते हैं आगे तो देख सकते हैं नवंबर महीने में, इसमें जो दिसंबर महीना है 2008 का 97 रुपीज़ इसका प्राइस हो गया था। आप समझ सकते हैं कितना गिरावट आया था इस स्टॉक में, तो बहुत ही भयंकर गिरावट था इस स्टॉक में 80% से भी एवब का। तो इसी तरह से अभी भी इसमें आपको देखने मिल रहा है कि 50% से अधिक का गिरावट हो चुका है, आगे सिचुएशन हमारा कैसा होता है उसके अनुसार इसमें और गिरावट होने की संभावना है। तो अब हम बात करते हैं आपको बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस दो में से कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। तो हम आपको कहेंगे कि आप बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में इन्वेस्ट करें, आप आधा अमाउंट बजाज फाइनेंस में आधे अमाउंट बजाज फिनसर्व में, क्योंकि कंपनी कोई भी अच्छा परफॉर्म करती है या दोनों परफॉर्म करती है तो हमारे पास दोनों स्टॉक्स होंगे, इसलिए आप दोनों में इन्वेस्ट करें, बजाज फिनसर्व में भी और बजाज फाइनेंस में भी, हाफ अमाउंट बजाज फाइनेंस में या हाफ अमाउंट बजाज फिनसर्व में, या किसी एक को ज़्यादा करें एक में थोड़ा कम करें। तो निश्चित है कि दोनों स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करें, और ये स्टॉक्स आगे चल के आपके बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।